दोस्तों मैं शाहबाज आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इलेक्ट्रिक पॉइंट में। और फ्रेंड आज आपके लिए मैं प्रोजेक्टर के ऊपर वीडियो लेकर आया हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक प्रोजेक्टर किस तरीके से वर्क करता है और इसके अंदर कौन कौन से कॉम्पोनेंट लगे होते हैं और एक प्रोजेक्टर कितने तरह के होते हैं। तो फ्रेंड अगर हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करें तो इसके आधार पर प्रोजेक्टर दो तरह के होते हैं, एक DLP प्रोजेक्टर और एक LCD प्रोजेक्टर। DLP प्रोजेक्टर एडवांस हैं जो अभी रिसेंटली ही मार्केट में इंट्रोड्यूस हुए हैं, लेकिन हम इस वीडियो में LED या फिर LCD प्रोजेक्टर के बारे में स्टडी करेंगे। और ये जो आप अपनी स्क्रीन पर प्रोजेक्टर देख रहे हैं यह भी एक LED प्रोजेक्टर है। तो इसमें सबसे पहले हम इसके कॉम्पोनेंट्स के बारे में देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से कॉम्पोनेंट लगे होते हैं और किस तरीके से वर्क करते हैं, और इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए ये वाला प्रोजेक्टर मैंने ओपन कर लिया है और आप देख सकते हैं सबसे पहले इसके अंदर ये मदरबोर्ड लगा हुआ है। फ्रेंड आप ये देख सकते हैं मैंने प्रोजेक्टर को पूरा ओपन कर लिया है। अब मैं इसकी कार्यप्रणाली आपको बताता हूँ कि ये वर्क किस तरह करता है। तो इसके लिए मैं एक सिंप्लीफाइड डायग्राम आपको दिखा देता हूँ जिसकी मदद से आप आसानी से समझ पाएंगे। तो इसमें आप देखिए इसमें सबसे पहले एक बल्ब लगा हुआ है या फिर LED सोर्स जहाँ से लाइट निकलेगी। तो उस LED के पीछे कॉनकेव मिरर लगा हुआ रहता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि जब हमारा LED ग्लो करेगा तो इसकी रोशनी चारों दिशा में फैलेगी, लेकिन ये कॉनकेव मिरर इसके पीछे की साइड में लगा दिया जाता है जिससे कि ये लाइट को आगे की तरफ यानी कि जो मिरर लगा हुआ है उसकी तरफ पुश करता है। तो फ्रेंड मिरर से टकराने के बाद ये लाइट कन्वर्जिंग लेंस पर जाएंगी और वहाँ से पैरेलल बीम में कन्वर्ट हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर एक बीच में LED और LCD स्क्रीन लगी हुई है। ये एक नॉर्मल LED LCD स्क्रीन है जो कि मोबाइल में लगी होती है, इस तरह की एक छोटी सी स्क्रीन है जो कि मैं आपको अभी आगे वीडियो में दिखाऊंगा। और एक बात का ध्यान रखें कि ये जो इसके अंदर मूवी या जो भी चलेगा इसके अंदर वह उल्टा चलेगा, क्योंकि बाद में कॉन्वेक्स लेंस सबसे आगे लगा हुआ है जो कि उस उल्टी पिक्चर को सीधा कर देगा। अगर यहाँ इस LCD स्क्रीन पर सीधी पिक्चर चलेगी तो कॉन्वेक्स लेंस उसे फिर उल्टा कर देगा तो हमें पर्दे पर उल्टी फिल्म दिखाई देगी। तो इसलिए इसको इसमें LCD स्क्रीन में उल्टी पिक्चर इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद एक फ्रेजनल लेंस लगा हुआ है, ये स्पेशल टाइप का लेंस है। ये क्या करता है, जब पैरेलल लाइंस इसके पर टकराती हैं तो यह उनको एक फिक्स्ड फोकल लेंथ पर फोकस कर देता है। और उसके बाद एक सामने मिरर लगा हुआ है, मिरर से जाने के बाद यह रे दोबारा से एक कॉन्वेक्स लेंस के अंदर जाती हैं और वह कॉन्वेक्स लेंस इसको एक जितनी भी हम दूरी अपने डिस्टेंस में जहाँ पर हम इमेज को प्राप्त करना चाहते हैं उससे आगे पीछे कर सकते हैं और उसके बाद हमें सोर्स पर इमेज मिल जाएगी।